हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने गार्डन का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी को किस तरह से लगाना चाहिए और किस तरह से इसकी टेक केयर करनी चाहिए। दोस्तों, पहले मैंने हल्दी कभी नहीं लगाया है, इस बार पहला टाइम है कि मैं हल्दी ग्रो कर रही हूँ। एक बार मैंने आलू लगाया था लेकिन वो आलू सक्सेसफुल नहीं हुआ था मेरा लगाना। रीज़न ये था कि यहाँ पर धूप नहीं लगती है हमारे बालकनी में। तो इस बार मैं हल्दी लगा रही हूँ और इसको बालकनी में नहीं रखूँगी। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने रेंट के ऑफिस में ले जा कर रखती हूँ, तो वहाँ पे ले जा कर रखूँगी। और इस बार देखते हैं कि ये हमारा हल्दी का पौधा सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए, इसकी जड़ काफ़ी मतलब मजबूत है, नहीं तोड़ रही हूँ तो निकल नहीं रही है जल्दी। और ये स्प्राउटिंग, मैंने हल्दी पिछले साल ठंडियों के सीजन में लिया था, यूँ ही फ्री में, ऐसे सब्जी ले रही थी और फ्री में मैंने हल्दी ले लिया था। ये हल्दी रखी हुई थी, यूज़ नहीं हुआ था, तो रखे रखे देखिए स्प्राउटिंग करने लगा है, इसमें अपने आप स्प्राउटिंग होने लगा है। तो मैं समझ गई कि अब इसका सीजन आ चुका है, इसे लगाने का टाइम आ चुका है। तो मैं लगाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि वीडियोस पहले बना लेते हैं ताकि आप सभी को भी मैं दिखा दूं कि मैं किस तरीके से इसे लगा रही हूं। उसके बाद मैं रिजल्ट आपको शेयर करूंगी जब ये पौधा ग्रो होगा तो, और अगर नहीं ग्रो हुआ तो, दोनों की जो वीडियोस हैं मैं आपसे साझा करूंगी। तो ये देखिए, मिट्टी मैंने बना रखी है जिसमें कि मैंने लिया है 50% के करीब मिट्टी है, नॉर्मल सॉइल है, 30% के करीब है वर्मी कंपोस्ट, और 20% में बाकी चीज़ें जितनी भी आती हैं, जैसे नीम खली थोड़ा सा हो गया। हालांकि ये है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इसमें हल्की सी इसमें नीम खली डाल दी है, इसमें थोड़ी सी रेत डाल दी है। तो इसमें बाकी में जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, पत्तों की हल्की सी खाद डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद इस वक्त मत दीजिएगा, नहीं तो आपके ये जो है ना राइजोम, ये गल जाएंगे। बहुत हल्की खाद इस टाइम होनी चाहिए। और अभी गर्मियां चल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब तक पौधा बड़ा ना हो तब तक खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम हो जाए तो चलेगा, बट ज़्यादा होगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा या राइजोम जो आपका है वो गल जाएगा ज़्यादा खाद होने की वजह से। तो ये देखिए, मैंने पत्तियाँ वगैरह भी इसमें डाल रखी थी कंपोस्ट बनने के लिए, जो अभी नहीं बनी है कंपोस्ट, ये यूं ही खड़ी है। तो मैं इसको निकाल के हटा देती हूँ। और इस तरह से मैंने मिट्टी, इसकी भुरभुरी मिट्टी तैयार की है। भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए ताकि पानी जो है वो होल्ड ना हो, पानी ईजिली निकल सके। और हाँ, मैंने थोड़ा सा इसमें, अब बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा, जो 20% की मैंने मात्रा बताई है ना, उसी मात्रा में मैंने थोड़ा सा एक मुट्ठी कोकोपीट भी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड हो सके, क्योंकि मैं इसे बिल्कुल धूप में रखूँगी तो थोड़ा सा मॉइस्चर भी बना रहना चाहिए। और मेरा जो गमला है वो आप देख ही रहे हैं कि मैंने मिट्टी का गमला लिया हुआ है। तो अगर आप प्लास्टिक का गमला ले रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिट्टी के गमले में थोड़े मॉइस्चर होल्ड करने के लिए ऐसा चीज़ डाला रहना चाहिए जो कि सॉइल मॉइस्चर को होल्ड कर सके। तो ऊपर से 1 से 2 इंच तक की एक लेयर आप चढ़ा दीजिए इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मत चढ़ाना आप, बस 1 से 2 इंच, 2 इंच काफ़ी है, 2 इंच तक आप इसको ढक दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से पानी आप दे दीजिए। अच्छे से पानी देने के बाद में इसको 1-2 दिन तक आप ऐसे ही छांव में रख सकते हैं। और थोड़ी जब स्प्राउटिंग आपको दिखाई देने लगे तो इसे आप बिल्कुल नॉर्मल जो धूप होती है 3-4 घंटे की, वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो अभी मैं इसे फ़िलहाल बालकनी में ही रखूँगी क्योंकि बालकनी में मेरे धूप नहीं आती है। जब इसमें अच्छे से स्प्राउटिंग पत्तियाँ बनने लगेंगी तब मैं इसको प्रॉपर धूप में रखूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने लगा लिया हल्दी का प्लांट। बहुत इजी है लगाना। अगर स्प्राउटिंग नहीं हो रही है तो भी आप लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्प्राउटिंग वाले ही पौधे हो, सॉरी राइजोम हो। लेकिन अगर स्प्राउटिंग वाले राइजोम आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे पौधे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। तो इस तरीके से हमने मिट्टी से देखिए ढक दिया है। इसके ऊपर से आप पानी दे दें, नॉर्मल पानी, और चाहे तो फंगीसाइड हल्का सा बिल्कुल डाल के दे सकते हैं। हालांकि टर्मरिक जो है ये ऑलरेडी फंगीसाइड होता है और ऑलरेडी इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो
तो इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी एहतियात के लिए अगर चाहते हैं तो बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल 1 पिंच पानी में घोल के आप डाल सकते हैं, वो वाला पानी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, कुछ भी मैंने पानी में मिक्स नहीं किया है, एकदम नॉर्मल पानी है। अच्छे से इसको मिट्टी को भिगो दूँगी। तो इसी तरीके से घर पे आप भी इस साल हल्दी लगाइए मेरी तरह, और देखिए बैठे बिठाए घर में आपको फ्री की ढेर सारी हल्दी मिल जाएगी। प्लस इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं, इसमें फूल भी आते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो हल्दी को ज़रूर लगाइए इस साल अपने गार्डन में, और ये बिल्कुल सही महीना है लगाने का। आप जून और जुलाई के मंथ में हल्दी के पौधे को लगा सकते हैं। तो जून लास्ट वीक चल रहा है हमारा, ये समय बहुत ही बढ़िया है हल्दी उगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा ही कि मेरी हल्दी में ऑलरेडी स्प्राउटिंग होनी शुरू हो गई थी रखे रखे ही। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों, कीप गार्डनिंग।